प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में चुनावी हुंकार भरी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कांग्रेस को भी खूब आड़े हाथों लिया। इस दौरान संदेश खाली का जिक्र करके प्रधानमंत्री मोदी भावुक भी हुए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल में पीएम मोदी 42 सीटों पर जीत की गारंटी। पीएम की चुनावी हुंकार, विरोधियों पर जमकर वार। दीदी की बढ़ी चुनौती, मैदान में सबसे बड़े महारथी। देश में जारी लोकसभा चुनाव में पार्टियां प्रचार में जुटी है। बीजेपी भी प्रचार में ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने दीदी के गढ़ में दीदी को खूब घेरा। वर्तमान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी को घेरते हुए कहा कि यहां हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के एक एमएलए की धमकी का मंच से जिक्र भी किया और कहा वो सरेआम धमकी देते हैं कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। पीएम ने पूछा ये कौन सी भाषा है, जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है, इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है, राम नवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। पीएम नरेंद्र मोदी संदेश खाली का जिक्र कर भावुक हो गए। संदेश खाली की महिलाओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। उन्होंने कहा संदेश खाली में इतना बड़ा अपराध हुआ और टीएमसी उस गुनाहगार को बचाती रही है इसलिए कि उसका नाम शाहजहां शेख था। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। पिछले 2 हफ्तों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा, आरमबाग, कृष्णानगर और बारासात में कई चुनावी रैलियां कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी जोरदार प्रचार प्रसार अभियान में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य में बसने में मदद करती है, जो उन्हें भारतीयों की जमीन और संपत्ति हड़पने की अनुमति देती है। वाकई क्या हालत हो गई है बंगाल में, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए इस बार पश्चिम बंगाल मुख्य केंद्र बना हुआ है। राज्य में बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है और ममता बनर्जी के किले में सेंध की हर कोशिश कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। 2014 में बंगाल में बीजेपी को 17% वोट मिले थे, जो कि 2019 में 40% हो गए। बंगाल में इस बार पीएम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच चुनावी लड़ाई है। बीजेपी संदेश खाली, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनावी रण में है और पश्चिम बंगाल की सभी सीटें जीतने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।